नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 22 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, असम मंत्रिमंडल ने राज्य में चाय बागानों के श्रमिकों के दैनिक वेतन को बढ़ाकर कितने रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में असम के मंत्रिमंडल ने राज्य में चाय बागानों के श्रमिकों के दैनिक वेतन को 318 रुपए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम के अंदर 10 लाख जो टी लेबरर्स हैं, ये 800 संपदा में काम करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, ये कंट्री का जो एनुअल टी प्रोडक्शन होता है ना, इसमें 52% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी आप याद रखेगा। अब देखो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 318 रुपए। अब बात यहां पर असम की हुई है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है मैत्री योजना किस राज्य से है, तो ये असम की है। यहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, थाने आएगा। भारत ने एडीबी के साथ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों की हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। देखो ये जो 8 पॉइंट है ना, कोटी बिहू त्योहार, अभी हाल ही में आईबी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज कि ये जो बिहू त्योहार है ये किस राज्य में बनाया गया, तो ये असम में बनाया गया। जिष्णु बरुआ, इनको असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ये जिष्णु बरुआ। अब असम की लोकेशन देखिए आप कहां पर है, ये है असम की लोकेशन। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। बांग्लादेश और भूटान के साथ असम इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, ये भी आप याद रखेगा। असम की कैपिटल क्या है, देखो असम की कैपिटल की बात करें, दिसपुर इसकी कैपिटल है। सर्बानंद सोनोवाल ये कौन है, मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित हैं। देखो ये जो सीट्स हैं ना, जैसे जिले कितने हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की, ये कितनी सीट हैं, ये स्पेशली जैसे अगर असम का कोई एग्जाम है तो उसी में इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि देखो तमिलनाडु का एग्जाम है और वहाँ पे पूछा जाएगा कि असम में टोटल कितने जिले हैं, इसके चांस बहुत कम हैं। लेकिन अगर असम में असम का कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो वहाँ पर ये डिटेल पूछी जा सकती है, इसलिए इसको कवर किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ किस राज्य के स्थानीय कारीगरों बुनकरों को ई कॉमर्स तह में लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ तमिलनाडु राज्य के स्थानीय कारीगरों बुनकरों को ई कॉमर्स तह में लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो, 2025 तक 2 लाख इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाले लक्ष्य के साथ एक एमएसएमई पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखेगा। अब तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार तमिलनाडु फॉरेन टूरिज्म में पहले स्थान पे है, मतलब विदेश से जो लोग भारत में घूमना फिरना पसंद करते हैं उसमें वो पहले स्थान पे तमिलनाडु को करते हैं। ये तो बात करी हमने फॉरेन टूरिज्म के बारे में। अगर बात करें हम डोमेस्टिक टूरिज्म यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नाम क्या है, इदप्पड़ी के पलानीस्वामी, इन्होंने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप
5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। 6th पॉइंट क्या है, लगातार 6th बार ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु बेस्ट स्टेट साबित हुआ है। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखिए आप, यह है तमिलनाडु की लोकेशन। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें तो चेन्नई इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात भी कर लेते हैं, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। देखो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकेंड, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वीडिश फर्नीचर की दिग्गज कंपनी नाम क्या है, आइकिया ने 5,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में स्वीडिश की फर्नीचर कंपनी है, नाम क्या है, आइकिया, इसने 5,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए, इंटरनेशनल फर्नीचर और होम गुड्स स्टोर के लिए। और देखो ये 5 साल के लिए किया गया है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मकसद क्या है, अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये डाटा इंपोर्टेंट है, 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं इस आइकिया की, ये है क्या। देखो ये स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी है। काम क्या है, जैसे रेडी टू असेंबल फर्नीचर होमवेयर, इनको ये डिजाइन करती है और सेल करती है। इसको फाउंड कब किया गया था, तो 1943 में स्वीडन के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर भी आप देख लीजिए, वैसे ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इंगवर कैंपरेड। देखो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया जा रहा है नाम, एग्जाम में बहुत कम चांस है कि नाम भी पूछा जाएगा। अब देखो स्वीडन की भी बात हुई है, तो स्वीडन की आप लोकेशन है इसकी नॉर्दर्न यूरोप में, याद रखेगा। कैपिटल इसकी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। एग्जाम में अक्सर कैपिटल पूछी जाती है, तो स्वीडन की जो कैपिटल है ये क्या है, स्टॉकहोम। अब देखो बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का ये है पिछला करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है, यह भी हमने कवर किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है, इसे रिसेंटली कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये देखिए आप, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। देखो इसमें एक तो है यूटी, यूटी क्या है, दिल्ली, और 8 हैं इसमें राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यूटी तो यह है दिल्ली। अब 8 राज्य भी देख लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इस समय इन्होंने दोनों राज्यों का चार्ज संभाला हुआ है। जिले कितने हैं, 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस जयशंकर ने समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए किस देश के साथ $50 मिलियन के रक्षा ऋण सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नाम क्या है, एस जयशंकर। इन्होंने समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की सुविधा के लिए मालदीव के साथ $50 मिलियन के रक्षा
ऋण सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मालदीव। अभी एक्चुअली हुआ क्या, जो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना एस जयशंकर, ये 2 दिन की विजिट पे थे मालदीव में, और वहीं पर उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। अब देखो, मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मारिया दीदी, इनके साथ इन्होंने मुलाकात भी की। बात करें मालदीव की, तो मालदीव की पहले आप लोकेशन देख लीजिए, ये कहाँ पर है। देखो यह है मालदीव की लोकेशन, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। यह है इंडियन ओशन, और ये देखिए आप, यह है मालदीव। इसकी कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुफिया। राष्ट्रपति कौन है यानी प्रेसिडेंट? इब्राहिम मोहम्मद सोली। कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट सॉरी जो लोकेशन है वो भी आप देख लीजिए, जैसे मॉरिशस। यह है रीयूनियन, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था रीयूनियन की लोकेशन कहाँ पर है, तो इसकी इंडियन ओशन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने MEA के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? MEA का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो अभी रिसेंटली डिजी लॉकर ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो, केंद्र मंत्री, नाम क्या है? वी मुरलीधरन, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। कब? 19 फरवरी 2021 को। इसमें होगा क्या? पेपरलेस मोड में जो भी सिटीजन हैं वो पासपोर्ट सर्विसेज से संबंधित जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, इनको पेपरलेस मोड में सबमिट कर सकते हैं, मतलब उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो डिजी लॉकर फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसको डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आप ये भी आप याद रखेगा। देखो, डिजी लॉकर से साफ समझ में आता है, डिजी लॉकर, डिजी मतलब डिजिटल और लॉकर मतलब जैसे किसी चीज को लॉक कर देना, तो आप समझ गए ना। इसका मेन मकसद यही है कि पेपरलेस मोड में काम करना पूरा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वी मुरलीधरन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने किस राज्य यूटी में औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की है? तो ये की गई है कहां पर? जम्मू कश्मीर के लिए। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितनी इसमें देखो जो लागत आएगी ना, ये आएगी 28,400 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। और ये इफेक्टिव कब से लेके कब तक होगी? तो ये इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2021 से लेके कब? 31 मार्च 2037 तक। देखो डेट आप याद रखेगा, एग्जाम में आजकल डेट भी पूछी जा रही है। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2037 तक ये इफेक्टिव रहेगी। इसका मेन मकसद क्या है? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना जम्मू कश्मीर के अंदर, ये इसका मेन मकसद है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1999 में यूनेस्को, अभी इसके बारे में हम समझेंगे, यूनेस्को के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था कि 21 फरवरी को अब से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये ऑब्जर्व किया जाएगा। इसकी थीम क्या है इस बार इसकी? देखो थीम आप याद रखेगा, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। फिर से बोलता हूँ, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन एंड इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये इसकी थीम है। और देखो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये इस डे को मार्क करने के लिए 4 दिन का एक वर्चुअल इवेंट भी आयोजित कर रहे हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इस डे को मनाने का? तो जो सिग्निफिकेंस है, यह प्रोमोट्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मतलब जितनी भी भाषाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, ये इसको प्रोमोट करता है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की, यहाँ पे लिखते हैं यूनेस्को पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए ना, फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। देखो एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है, पूछ ले जाएगा एस का मतलब क्या है यूनेस्को में, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, एस का मतलब हो गया साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 में, ये डेट आप याद रखेगा 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस के पेरिस में। बात करें ये है क्या, तो देखो एजुकेशन साइंस और कल्चर के जो कॉपरेशन है, मतलब एजुकेशन साइंस और कल्चर के क्षेत्र में इंटरनेशनल कॉपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजुले, ये फ्रांस से हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंच सिविल सर्वेंट हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। अब देखो कुछ दूसरे देश के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये मनाया जाता है, 2 फरवरी को
वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम क्या थी 2021 की, वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी को वर्ल्ड उनानी डे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी है इसी मौके पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन्स डे भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंसा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई। 20 फरवरी को, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस को ऑब्जर्व किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश को भारत निर्मित कोविड-19 टीके की 1 लाख अतिरिक्त खुराक दी है? तो ये कहाँ पर दी गई है, ये दी गई है मालदीव के अंदर। देखो मालदीव में जनवरी 2021 में भी 1 लाख खुराकें इंडियास का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है इसके तहत दी गई थी, और अब दोबारा दी गई हैं। तो मालदीव के बारे में हम पिछली मतलब अभी कुछ एक दो क्वेश्चन पहले अच्छे से कवर कर चुके हैं। मालदीव की लोकेशन कहाँ है, इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबराबाद कहाँ पर है, पहले आप ये बताइए। देखो ये जो साइबराबाद है ना, ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के हैदराबाद में। और साइबराबाद पुलिस के पास किस शहर में जल्द ही ट्रांसजेंडरों की शिकायतों के लिए एक विशेष ट्रांसजेंडर डेस्क होगा? अब तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डी क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। कभी कभी जैसे ही देखो लिखा हुआ है साइबराबाद, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है। अब बात हैदराबाद की हुई है तो तेलंगाना की लोकेशन देखिए आप, तेलंगाना की लोकेशन ये रही। अब इसकी बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद इसकी कैपिटल है। के चंद्रशेखर राव ये मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदराजन ये गवर्नर हैं। देखो ये गवर्नर जो तेलंगाना के हैं, नाम क्या है, तमिलिसाई सौंदराजन, इन्होंने अभी पोंडचेरी का जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला पद है इसको भी चार्ज कर, मतलब इसको भी चार्ज ले लिया है इसका भी। अभी यहाँ के गवर्नर कौन थे पोंडचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये थी किरण बेदी, तो इनको हटा दिया गया है और इनकी जगह पर आए हैं तमिलिसाई सौंदराजन। और ये नाम अभी NTPC का एग्जाम हुआ था वहां पर भी पूछा गया था कि तेलंगाना के गवर्नर कौन थे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन में ये भी था तमिलिसाई सौंदराजन। बात करें जिलों की, 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, हिमा कोहली ये मुख्य न्यायाधीश हैं, और इन चारों राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IOCL की रिफाइनरी ने किस शहर में आसपास के गांवों के पर्यावरण पुनः स्थापना के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो IOCL ने अभी पानीपत वाली जो रिफाइनरी है यहाँ पर इस प्लांटेशन ड्राइव को स्टार्ट किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें होगा क्या, देखो जो 700 एकड़ की जो भूमि है ना वहां पर 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पानीपत। बात कर लेते हैं IOCL की, ये है क्या, पूरा नाम क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको फाउंड कब किया गया था, तो 1959 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है श्रीकांत माधव विद्या, ये चेयरमैन है। और ये देखो जैसे श्रीलंका मिडल ईस्ट वाले एरिया को ये सर्व करती है। प्रोडक्ट की बात करें तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट वाली सर्विसेज को ये प्रोवाइड करता है IOCL। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पानीपत। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, फरवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने नवंबर 2021 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक WSB को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो देखो इन चारों में से आंसर है, और जैसे जैसे लंदन हो, पर्थ हो, या पेरिस हो, या फिर ग्लासगो हो, जो भी सिटी हो, आपको यह भी बताना है उसकी लोकेशन कहाँ पर है और ISA इसके बारे में जितनी डिटेल आपको बताई गई है कल वाली डिस्कशन में, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बतानी है। कम से कम आप इसको खुद से लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।